जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए जानते हैं हम लोग सेवा सबकी कैसे करना चाहिए। ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानती हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तब तो पहुँचोगे। इंसान घर रिश्ते दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ तेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जिन्होंने ज्ञान है उन्होंने घमंड कैसा, जिन्होंने घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाऊंगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थितियाँ यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी अवश्य है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे तो ताकत है, वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूँगा, वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है, और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ने किसी का अपमान करता है, वरना उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरे हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह है होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास कर हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखता है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है।
सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। जिनकी अध्यात्मक में रुचि है उनके लिए इंटरनेट जगत पर एक मंदिर की तरह ही है। राधे राधे जी को चलाने वाले न तो कोई साधु संन्यासी है न कोई आश्रम या संस्था है। आपकी तरह एक सामान्य भगवत भक्त हूँ, एक जिज्ञासा हूँ जो सनातन ग्रंथों में अंकित अक्षरों में ईश्वर की बात ढूंढने का प्रयास करती हूँ, फिर अपनी समझ के अनुसार उसे प्रस्तुत कर देता है। इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। क्या सनातन धर्म का दायित्व सिर्फ साधु संत ही उठाएंगे? हम आप जैसे सामान्य लोगों का भी तो दायित्व बनता है सनातन ध्वज को ऊंचा रखने के लिए अपने हाथ बढ़ाने का। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और कल की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।